और चाउमीन में तेल लगाने के बाद आपको इसको छोड़ना है 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अच्छे से बन जाएगी। अगर आप गरम गरम चाउमीन को ही बनाओगे तो ये हमारी यहाँ पे चाउमीन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अगर इसके ऊपर ये कुछ डालते हैं मसाला वगैरह तो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका Y&M फूडी में, और आज हम सीखने वाले हैं कि शादियों में चाउमीन कैसे बनती है, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। तो हलवाई भैया से सीखेंगे शादियों में चाउमीन वो किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे बनने जा रही है चाउमीन, वो भी शादी वाले स्टाइल में। तो ये देख लो, 1 किलो चाउमीन का पैकेट है ये, इसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें नमक डालेंगे, नमक कितना डालेंगे भैया? 1 चम्मच। ये 1 चम्मच भैया ने इसमें नमक डाला है, बड़ा वाला। तो ये भैया इसमें डाल रहे हैं रिफाइंड, और रिफाइंड कितना डालेंगे भैया? कितना? 50। और 50 ग्राम भैया ने इसमें रिफाइंड डाला है। और भैया कितनी देर में बॉईल हो जाएगा ये? 10 मिनट इसको लगेंगे बॉईल होने में। और आँच कैसी रखनी है भैया इसमें? मीडियम आँच में इसको बॉईल करना है। मैं आपको बता दूं कि ये शादी वाली स्टाइल में चाउमीन बनने जा रही है। 1 किलो का चाउमीन का पैकेट था ये, जिसमें भैया ने 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है और 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाला है। 10 मिनट इसको लगेंगे बॉईल होने में, आँच आपको रखनी है मीडियम। तो इसको बॉईल होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको कैसे बना रहे हैं। तो भाई ये देखो, जैसे ही इसमें उबाल आने लग जाएगा तो आपको ऐसे बीच बीच में करछी चला के इसको हिलाना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि उससे फिर चाउमीन टूट जाएगी। तो हल्का हल्का इसको आपको बीच में हिलाना है। और भाई ये देखो, ये हमारी चाउमीन अच्छे से हो चुकी है बॉईल, और आपको ज़्यादा नहीं हिलाना है ताकि वो टूट ना जाए, और बीच बीच में करछी हिलाते रहनी है ताकि वो आपस में चिपकी ना रह जाए, अच्छे से छटी छटी अलग अलग हो जाए। और ये हमारी चाउमीन बॉईल हो चुकी है, इसको मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, थोड़ी सी चाउमीन मैं ले लेता हूँ हाथ में, और ये देखो इस तरीके से, ये आपको ज़्यादा भी बॉईल नहीं करनी, इस तरीके से आपको बॉईल करनी है। ज़्यादा बॉईल कर दोगे तो उसकी खिचड़ी टाइप की सी बन जाएगी, ज़्यादा बॉईल नहीं करनी। 10 मिनट, लगभग 10 मिनट में आपकी चाउमीन बॉईल हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है कि वो बॉईल हो चुकी है। तो चलो अब देखते हैं इसकी सब्जियाँ वगैरह कैसे, भैया क्या क्या डालेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होने वाला है। तो ये देख लो, चाउमीन बॉईल होने के बाद ऐसे उसे छान लेना है आपको, और फिर उस पर से ऐसे तेल डालना है ताकि वो आपस में चिपके ना, और इस तरीके से हिलाना है ये। तो ये देखो, इसमें तेल मिला दिया है, वो देख लिया था आपने कितना तेल मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है। बस अच्छे से सारी चाउमीन में तेल लग जाए ताकि वो आपस में चिपके ना, इस तरीके से आपको तेल मिलाना है। तो चलिए जब इसको बनाएंगे, क्या क्या उसमें सब्जियां डालेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे आगे। और चाउमीन में तेल लगाने के बाद आपको इसको छोड़ना है 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अच्छे से बन जाएगी। अगर आप गरम गरम चाउमीन को ही बनाओगे तो वो आपस में चिपकने लग जाएगी और अच्छे से भुनेगी नहीं सब्जियों के साथ। तो 15-20 मिनट छोड़ना है आपने इसको तेल लगाने के बाद। तो भाई ये देख लो, ये सब्जियाँ जो हमारी चाउमीन में यूज़ होने वाली हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स हैं, तो ये सारी सब्जियां, प्याज भी इसमें जाएंगी। तो ये सारी सब्जियां जो हम चाउमीन में यूज़ करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे बनने जा रही है शादी स्टाइल वाली चाउमीन, उसके लिए भैया ने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम तेल, रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देना है। उसके बाद इसमें ये सब्जी डाल दी है भैया ने, ये सारी सब्जी डाल दी है भैया ने। आप घर में अपने हिसाब से डालना, जितनी प्लेट आप बना रहे होंगे उस हिसाब से आपको सब्जी डालनी है। भैया ये फिर भी कितना होगा ये सब्जी? आधा किलो ये सब्जी है। और इसमें कितनी प्लेट चाउमीन बन जाएंगी भैया? ये पूरी बन जाएगी इसमें? तो ये देख लो, आधा किलो के आसपास ये सब्जी है, लगभग आधा किलो। और इसमें ये 900 ग्राम के आसपास का चाउमीन का पैकेट था, ये बनने वाला है पूरा इसमें। तो आगे देखते हैं जब ये इसमें डालेंगे क्या क्या मसाले इसमें मिलाने वाले हैं। जैसे हम शादियों में खाते हैं उस स्टाइल की चाउमीन, जो टेस्ट आता है शादियों में, वो वाली सीखने वाले हैं हम। तो पहले अच्छे से सब्जी को आपको फ्राई कर लेना है, और ये देख लो, आपको सब्जी को छोड़ना नहीं है, इस तरीके से आपको करछी चलाते रहनी है ताकि सब्जी नीचे चिपके ना कढ़ाई में। इस तरीके से आपको करछी चलाते रहनी है और उसको भूनते रहना है 5 मिनट तक। तो 1 चम्मच भैया ने इसमें डाला है अजीनोमोटो, ये भैया इसमें डाल रहे हैं काला नमक, और जगह ये गिरता नहीं है लेकिन शादी स्टाइल हम सीख रहे हैं तो इसलिए काला नमक इसमें डाला है भैया ने, छोटा चम्मच। ये क्या था भैया? हाँ, 1 छोटा चम्मच भैया ने इसमें डाला है पीली मिर्च, ये भी। तो भैया ने इसमें डाला है 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच पीली मिर्च, और अब ये डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च।
लाल मिर्च भी एक ही चम्मच डालनी है आपको, और इसमें इन्होंने ये डाला है चिली सॉस, हरी वाली ग्रीन चिली सॉस जो होती है ना वो डाला है। ये इसमें सिरका डाल रहे हैं, ये देखो। ये सारी चीज़ें आप बाहर से शॉप वालों से खाओगे ना वहाँ इस तरीके से नहीं बनती चाउमीन, लेकिन जो शादी में बनती है हम उस तरीके की सीख रहे हैं, तो इसलिए इनकी रेसिपी थोड़ी अलग होती है। ये देख लो 5 मिनट इसको हो गए हैं भुनते हुए, मसाले सारे आपने देख लिए कौन कौन से डालने। अब इसमें चाउमीन मिलाएंगे ये लोग, अब इसमें डाल दिए चाउमीन, और चाउमीन देख लो यार कितनी अच्छी लग रही है, एकदम अलग अलग लग रही है। जैसे हम घर में हम बनाते हैं तो वो क्या होती है चिपक जाती है एक दूसरे से, तो इसमें चिपकी नहीं है, सारी अलग अलग है। ये देख लो, और अब भैया इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस कितना जाएगा भैया, 2 चम्मच? 2 चम्मच भैया ने इसमें डाला है सोया सॉस। ये देखो, अब भैया ने 2 चम्मच, भैया ने 2 कड़छी उठा ली। अब भैया फॉर्म में आ चुके हैं, दोनों कड़छियाँ उठा ली भैया ने। थोड़ा सा और सोया सॉस डाल रहे हैं, कम लग रहा है। आप भी घर में देख लेना, अगर कोई मसाला वगैरह कम लगता है या सोया सॉस विनीगर कुछ भी आपको कम लगता है तो आप ऊपर से ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये हमारी यहाँ पे चाउमीन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अगर इसके ऊपर ये कुछ डालते हैं मसाला वगैरह तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं, 1 चम्मच नमक और डाला भैया ने। कलर देख लो कितना अच्छा आया है, कलर आपको शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा उजाले की वजह से, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है इसका। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।